एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्रृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। या इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यत् अस्ति इति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रियाविशेष बहुलाम भोगय ऐश्वर्यगतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो।